हेलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले हैं शाह मेटा लिमिटेड से रिलेटेड यहां पर देखिए लगभग लगभग तीन रुपये चौरान पैसे चार रुपये के लगभग मानिए चार रुपये का ये स्टॉक्स है जहां पर इसमें तीन गुना होने की पूरी की पूरी उम्मीद है मतलब बारह से तेरह रुपये तक का यहां पर आपको क्या मिल सकता है टारगेट मिलता हुआ नजर आ सकता है बट याद रखिएगा वीडियो में हम सब चीज़ एक एक करके जानेंगे फंडामेंटल टेक्निकल फाइनेंशियल्स बट उससे पहले आगे बढ़े है हाँ ना मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले तो बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी करना है और सीखने की कोशिश करना है ठीक कर कर है ना आई एम स्मॉल कप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए और जाके वीडियोज़ को देखिए वीडियोज़ को जाके देखेंगे काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा स्टिल यहाँ पर अगर बारीकियाँ सीखनी है तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको बारीकियाँ सीखनी है क्योंकि आठ मिनट के वीडियो में बारीकियाँ नहीं बताई जा सकती उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर डबल एट सिक्स जीरो फाइव फोर जीरो फाइव जीरो वन एट वन सिक्स नाइन टू सिक्स वन जीरो थ्री सेवन दोनों नंबरों को सेव करना है बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है क्यों लेना है क्यों बेचना है तो ये क्यों के आंसर आपको मिलेंगे जब आपके क्यों के आंसर कंप्लीट हो जाएंगे ना आपको समझ में आ जाएगा शेयर क्यों भागता है क्यों गिरता है तब आपके लिए बहुत ईजी यहाँ पर जरनी हो जाएगी तो पच्चीस हजार रुपए का कोर्स है हैंड होल्डिंग है इन मार्केट है है एक बार कोर्स किया तो छह महीने से एक साल बस वैसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा जैसे मैं आपको कोर्स में बताऊंगा फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी साथ में काम करना चाहते हैं तो आपके यहाँ मोस्ट वेलकम है इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करिए ओके और हमारे साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं व्हाट्सएप कॉल मैसेज करिए जानकारी लीजिए इंक्वायरी करिए है ना अच्छा खासा पैसा आप हमारे थ्रू बना सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं शाह मेटा कॉप लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो देखिए 1999 में ये कंपनी इनकॉपरेट हुई थी और यहाँ पर आप देखेंगे मैन्यूफेक्चरिंग सेल डाइवर्स रेंज ऑफ एस एस प्रोडक्ट्स है ना एस का मतलब है स्टेनलेस स्टील के यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाते हुए नजर आते हैं यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड कि किस तरीके के यहाँ पर इनके प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आप देख देख लीजिए ठीक है ना स्टेनलेस स्टील इक्वल एंगल्स बार्स तो एंगल्स अलग अलग तरीके के एंगल बनाते हुए नजर आते हैं एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे ना तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर आइडिया लग जाएगा किस तरीके का बिजनेस मॉडल है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारी चीजें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में काम आती हुई लगती है और याद रखिए गवर्नमेंट uh, जैसे ही आएगी कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस होगा जब कंस्ट्रक्शन फोकस होगा तो इन कंपनियों का ही चलना बहुत अच्छा माना जाएगा ठीक है ना ऐसी कंपनी जो अच्छा खासा प्रदर्शन करके दिखा सकती है वो यही यही कंपनी बन के उभर के आएगी तो थोड़ा सा फोकस करना है अब देखिए चार रुपए का शेयर है तो हमेशा याद रखिएगा जब चार रुपए का शेयर है तो मतलब क्या है एक करोड़ रुपए की कंपनी है एक करोड़ का मतलब माइक्रो मतलब कैप है ये पेनी स्टॉक है ठीक है ना पैनी स्टॉक के पीछे लोग काफी भागते हैं तो मैंने सोचा आज पैनी स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं एक करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप है पर जब एक करोड़ की बात करूँ तो दो चीज याद रखिएगा सबसे पहले स्मॉल कैप इन्वेस्टर हमारा जो चैनल है ऐसी छोटी कंपनियों से रिलेटेड बातें करता है दूसरा जब ऐसी छोटी कंपनी से रिलेटेड बातें करूँ तो याद रखिएगा शेयर जब भागे, भागेगा तो ऐसे अच्छे खासे रिटर्न देगा कि दो रुपये वाला स्टॉक आपको कुछ ही दिनों में पाँच रुपये सात रुपये होता हुआ नजर आएगा है ना और या फिर कुछ पैसों वाला स्टॉक आपको बारह तेरह रुपये होता हुआ नजर आएगा और इसके अलावा जब गिरेगा तो वही तेरह रुपए वाला स्टॉक कुछ पैसे तक भी रह जाएगा तो इसलिए सही टाइम पर लेना सही टाइम पर बेचना है ना वही मैं आपको सिखाता हूँ और उस सिखाने के लिए क्या है यहाँ पर ये वीडियो यहाँ पर ये कोर्स है हमारा इस कोर्स को क्या कर सकते हो आप ज्वाइन कर सकते हो इसमें आपको सब कुछ यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी कि कब लेना है कब बेचना है बात करते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 38 का यहाँ पर पीए इंडस्ट्री का पी 23 का है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा महंगा नजर आएगा बट स्टिल याद रखिएगा पी के बेस पे चीजें नहीं चलती पी हमेशा जब जब, जब जैसे-ऐसे शेयर प्राइस बढ़ेगा पी का पी रेशियो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा बट कम हो तो अच्छा माना जाता है बट स्टिल पी के बेस पर ना बाइंग करना है ना सेल करना है इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा एक की फेस वैल्यू है इंटरेंसिक वैल्यू के लगभग लगभग शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है डिविडेंड कंपनी दे देनी है फाइव पॉइंट फाइव रुपीज़ का इसने हाई बनाया था ओके ढाई रुपए के, के आसपास का इसका फिफ्टी टू वीक लो है और ये फिफ्टी टू वीक हाई है आर ओ सी आर ओ ही खास है नहीं क्योंकि छोटा शेयर है आपने देख लिया है किस तरीके से यहाँ पर हिचकोले खाता रहता है ये शेयर कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है ना तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर में आएगा कि यहाँ पर देखिए कंपनी धीरे धीरे काम करती हुई नजर आ रही है और जो पिछले कुछ क्वार्टर से काम कर रही है तो यहाँ पर आप देखिए छप्पन लाख रुपए की सेल को छियालीस करोड़ रुपए की सेल में यहाँ तब्दील कर दिया है तो मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि जब ऐसी छोटी कंपनी छप्पन करोड़ रुपए छियालीस करोड़ रुपए का यहाँ पर सेल्स कर रही है तो बड़ी कंपनी के पास किस तरीके के ऑर्डर्स आते हुए नजर आ रहे होंगे उस चीज को आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कभी घाटे में था वो धीरे धीरे करके यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा है टू करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो घाटे में आते थे वो मार्जिन यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिखा रही है पर करोड़ रुपीस का यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी दिखाई देता है ईयरली बेस तो पर आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल डल दिखाई देगी ठीक है दो में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था बट उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू किया और अभी लगभग सौ करोड़ की सेल्स पे पहुंच गया है और दोबारा इस माइलस्टोन को यहाँ पर टच कर सकता है तो इस चीज को भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है तो यहाँ

थर्टी सिक्स परसेंट के शेयर है ठीक है जो कि एक दो क्वार्टर में मामूली से बढ़ते हुए नजर आया बट स्टिल प्रोमोटर्स की यहाँ पर होल्डिंग देखेंगे तो लगातार घटती हुई आई है, इस को आ, भूलना नहीं है साथ आप देखेंगे तो काफी लोगों ने अच्छी खासी होल्डिंग वन पॉइंट की होल्डिंग यहाँ पर लेकर रख रखी है तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं और चीजें यहाँ पर देखें तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर सत्ताईस मार्च दो को मोना विराज शाह ने है ना यहाँ पर इनके वॉरेंट को कन्वर्ट किया था टू पर टू लाख सिक्सटी थाउजेंड शेयर इससे पहले जनवरी में यहाँ पर इनके एक करोड़ सत्तावन लाख शेयर यहाँ पर कन्वर्ट होते हुए नज़र आए थे इससे पहले इस चौदह जनवरी दो को ही है ना इन्हीं का ही यहाँ पर ऑफ मार्केट से इन्होंने थ्री के शेयर यहाँ पर बाई किए और यहाँ पर आप देखिए मोना वार यहाँ पर वायर शाह लगातार इस पर्टिकुलर कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा रही है राइट इशू से यहाँ पर देखिए संपित सम्पत्ति सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर अच्छे खासे शेयर खरीदे ना का पर देखिए प्रेफरेंशियल पर हुआ है तो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी बाइंग जो पहले यहाँ पर लगातार बेचते हुए नजर आ रहे थे अब यहाँ पर से बाइंग शुरू हो गई है और यहाँ पर देखिए कब से तो यहाँ पर देखिए अगस्त 2023 से लगातार बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है और अच्छी खासी क्वांटिटी में तो इस चीज को थोड़ा सा समझना है ठीक है ना ऐसी चीजें जब होती हुई नजर आती है ना तो शेयर बहुत अच्छा खासा मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है आने वाले एक साल के अंदर अंदर डेढ़ साल के अंदर अंदर दो साल के अंदर अंदर तो इस चीज को थोड़ा सा आपको क्या है गौर फरमाना है बात करेंगे अब चार्ट से रिलेटेड चार्ट क्या कह रहा है बट उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब बेलाइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन कौन करिएगा बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो जाके देखिए सीखने की कोशिश करिए इसके अलावा आप क्या कर सकते हो आप हमारा एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो इन नंबरों पर नोट करेंगे तो कोर्स की इंक्वायरी साथ में अगर साथ में काम भी करना है तो भी आप हमारे साथ काम कर सकते हो अच्छे अच्छे शेयर है ना अभी मैंने दिखाई नहीं है अभी मैं आपको कुछ टाइम बाद एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि हमने पिछले तीन चार दिनों के अंदर अंदर कितने अच्छे अच्छे शेयर यहाँ पर पकड़े और बीस बी पच्चीस पच्चीस परसेंट का रिटर्न हमें कुछ ही टाइम में मिलता हुआ नजर आया है ठीक है उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा अभी मेरे पास वो शेयर है तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा वंस आई विल सेल दो शेयर तो मैं आपको यहाँ पर उससे बातें करूंगा तो यहाँ पर देखिए शेयर में पर आ रहा है बट स्टेज वन को अब ये धीरे धीरे क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है ये अब क्या दिखाई देता है अब मुझे ये दिखाई देता है कि जैसे ही ये शेयर लगभग लगभग ये मान के चलिए चार रुपए और इस लाइन के ऊपर मान के चलिए ठीक है ना सीधे Uh, साढ़े चार रुपये का लेवल ये क्रॉस करता है ना एक छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर लगेगा उसके बाद यहाँ पर एक तेजी आती हुई दिखाई देगी जो इसे सात रुपये की तरफ लेके जाएगी सात रुपये के बाद हम यहाँ पर बात करें इसे नौ रुपये की तरफ लेके जाएगी और यहाँ पर बारह रुपये तक यहाँ पर लेके जा सकती है ये इस पर्टिकुलर शेयर को तो इस शेयर की तरफ आपको क्या करना है गौर फरमा के जाना है ठीक है ना काफ़ी अच्छा शेयर है वॉच लिस्ट में एड कर लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी करके ही आपको यहाँ पर चीज़ें लेनी है ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चार्ट में मुझे दिखाई देती है ठीक है न आप हमारी कोर्स को ज्वाइन करोगे तब मैं आपको उस बारिकिया को बताऊंगा कि यहाँ पर ऐसा क्या चीजें दिखाई दे रही है जो फंडामेंटल के साथ टेक्निकल में मिक्स हो गई है जो यहाँ पर कुछ टाइम में इस शेयर को भगाती हुई नजर आएगी जैसे यहाँ लोअर सर्किट में शेयर नीचे आया था सेम अपर सर्किट में ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपने मेहनत करके यहाँ पर चीज़ों को बाइक सेल करना है किसी के कहने पर मेरे कहने पर नहीं लेना है है ना क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें नीचे आ जाए हो सकता है कि चीज़ें ऊपर आ जाए क्या मैं इस शेयर में आ, आ, मैं इन्वेस्टेड हूँ नहीं बिल्कुल भी नहीं हूँ ओके और मैंने किसी को बताया भी नहीं है पहली बार ही यहाँ पर वीडियो स्टॉक यूट्यूब पर ला रहा हूँ और मेरे पास बड़े बड़े शेयर अच्छे खासे हैं तो मैं इस छोटे शेयरों में रिस्क लेना थोड़ा सा पसंद नहीं करता मेरे को चार गुना रिटर्न ही चाहिए मेरे थोड़े से पैसे बन जाए ठीक है बट धीरे धीरे ग्रेजुअली बनते जाए आई एम सो हैप्पी फॉर दैट है ना तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस